हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड कंटुमेसस को याद करेंगे, जिसका मतलब होता है अवज्ञाकारी। ओके गाइस, तो गाइस इसको हम लोग कीवर्ड के माध्यम से बहुत ही इजी तरीके से हमेशा के लिए याद कर लेंगे। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इसको गौर से सुनते रहिए, ठीक है। चलिए देखिए जो ये वर्ड है कंटुमेसस, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है यानी कि उच्चारण, इसको बोलने में कैसा लग रहा है। देखिए, कॉन्टुमेसस ऐसे लग रहा है, कौन तुम्हें सास, ठीक है गाइस। मैं ये कीवर्ड बनाया हूँ, मैं किस लिए बनाया हूँ इसको आप देखते रहिएगा, ठीक है गाइस। तो मैंने सबसे पहले कीवर्ड क्या बनाया, कौन तुम्हें सास, ठीक है, इससे मिलता जुलता है कौन तुम्हें सास। ओके गाइस, तो चलिए स्टोरी अब बताते हैं, इसका स्टोरी क्या है। तो देखिए गाइस, ये एक क्लास है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लास चल रहा है। ओके गाइस, यहाँ पे सबसे पहले स्टोरी आप गौर से सुनिए, आपको एक बार में हमेशा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ स्टोरी कि यहाँ पे क्लास चल रहा है, ठीक है। तो इसमें से कोई लड़का है, वो टीचर को क्या बोल दिया, सासू माँ, ठीक है। कुछ लड़के जैसे नाटी शरारती होते हैं, तो वो कुछ क्लास डिस्टर्बेंस करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, बीच में। तो एक मैम थी, उससे वो कोई लड़का था, उसने बोल दिया सासू माँ, ये मेरी क्या है, सासू माँ है, सासू माँ चिल्ला के उनसे बोल दिया। ओके गाइस, तो देखिए अब सासू माँ जब बोल दिया, तो अब देखिए क्या हुआ। तो फिर ये पूछने लगा कि कौन तुम्हें सास बोला था, कौन, ये बंदा पूछा, मतलब ये टीचर थे, ये कोई अनदर टीचर, इनसे पूछने लगे, ये इनसे, इन्हीं को कोई बंदा बोल दिया था, कोई लड़का, कि सासू माँ, तो ये पूछा कि कौन तुम्हें सास बोला, ठीक है, क्या बोला, कौन तुम्हें सास बोल दिया। सास मतलब समझ रहे हैं गाइज, मदर इन ला। ओके गाइज, तो इनको क्या बोल दिया था, सास बोल दिया था कोई लड़का। तो ये क्या पूछ रहा है, ये टीचर पूछ रहे हैं, कोई अंदर दूसरे टीचर हैं, ये उनसे पूछ रहे हैं कि कौन तुम्हें सास बोला था, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बाद में क्या पता चला कि अच्छा, ये लड़का है, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस में इसको लेकर आएगा कि अच्छा, ये पता चला कि इस लड़के ने सास बोला था टीचर को, सासू माँ बोला था, ठीक है गाइज। तो फिर इसका क्या हुआ, मतलब इसका जो सजा इसको दिया गया, फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी सजा हुआ उसको दिया गया, ठीक है गाइज। तो बस हमने याद करने के लिए इतना स्टोरी आपको बताया है। तो चलिए अब यहाँ से देखिए, आपको यहाँ पे तुरंत अब समझ में आ जाएगा कि क्या स्टोरी क्या था। देखिए अगर आप गौर से सुने होंगे, तो देखिए ये बोला कौन तुम्हें सास बोला। तो ये बोला, जो भी सास बोला वो बंदा क्या होगा, वो लड़का क्या होगा, अवज्ञाकारी होगा। इसको जो भी सास बोला वो लड़का तो अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, एकदम बेकार, मतलब अवज्ञाकारी होगा, उदंड होगा, नॉटी होगा। तो ये क्या है, अब जो भी बोला है ये क्या है, अवज्ञाकारी। ओके गाइज, तो यहाँ से अब पता चल गया कि जिसने बोला था यहाँ पे कौन तुम्हें सास बोला, वो क्या होगा, अवज्ञाकारी। जो यानी कि जो बोला होगा सास, वो क्या है, अवज्ञाकारी। ओके, यहाँ पे इससे ये बोल रहा है कि कौन तुम्हें सास बोला, जिसने भी बोला होगा तो क्या होगा, वो अवज्ञाकारी होगा। ओके गाइज, तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको स्टोरी समझ में आया होगा। तो अब चलिए इस प्रकार से इसको आप रिलेट कर लीजिएगा दिमाग में, अब आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। कौन तुम्हें सास बोला, जो भी बोला होगा वो क्या था, अवज्ञाकारी होगा। अवज्ञाकारी मतलब उदंड गाइज, ठीक है, जो आपके बातों को पालन नहीं करता, आपके बातों को मानता नहीं है। तो चलिए यहाँ पे अब देखते हैं, अब इसका सिनोनिम्स हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सिनोनिम्स यानी कि सिमिलर वर्ड या पर्यायवाची शब्द। ओके गाइज, तो देखिए ये क्या है, टैक्टलेस का मतलब क्या होता है गाइज, उदंड होता है। ओके गाइज, तो ये क्या हो गया, इसका सिमिलर हो गया, समान हो गया, ठीक है, ये भी अवज्ञाकारी में उदंडता रहा है, ये भी उदंड हो गया। ओके, तो जो उदंड हो वो क्या होगा, अवज्ञाकारी होगा। और यहाँ पे क्लम्सी मतलब क्या होता है गाइज, बेढंगा, कोई भी काम बुरे ढंग से करे, ठीक है, उसको अच्छे से नहीं करे, तो ये क्या हो गया, क्लम्सी मतलब बेढंगा। ओके, तो ये भी क्या हो गया, अवज्ञाकारी टाइप, ठीक है, इससे क्या हो गया, सिमिलर वर्ड हो गया। अब यहाँ पे ये क्या है, चर्लिश का मतलब क्या होता है गाइज, चर्लिश का मतलब भी होता है उदंड। ओके, तो ये क्या हो गया, उदंड यानी कि ढीठ टाइप का। ओके, बहुत ही ढीठ, तो ये क्या हो गया, चर्लिश भी क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है, उदंड। और ये क्या हो गया, डिसओबीडियंट मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है अवज्ञाकारी। ओके, ओबीडियंट मतलब क्या होता है, आज्ञा का पालन करने वाला, और डिसओबीडियंट मतलब जो उसको पालन न करता हो, और डिसओबीडियंट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, इसका सिमिलर हो गया। और इंसोलेंट का मतलब क्या होता है गाइज, इंसोलेंट का मतलब होता है ढीठ, जो ढीठ हो वो क्या है, यानी कि आप अपनी ही बातों पे अड़ा रहता है, ठीक है, कोई बात किसी की बातों को नहीं मानता है, उसको आप जिसको बोलेंगे कि इस बात को मत करो तो वो बार बार उसी करता है, जो ढीठ होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी इसका सिमिलर हो गया, कंटुमेसस का ये क्या हो गया, सिमिलर, इंसोलेंट। ओके गाइज, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ आया होगा। तो चलिए इसका हम लोग एंटोनिम्स देख लेते हैं। ओके, तो देखिए जो एंटोनिम्स है, देखिए ये क्या है, टैक्टफुल का मतलब क्या होता है गाइज, विनम्र, जो बहुत ही विनम्र हो, ठीक है, बहुत ही भोला भाला हो, जो आप कहेंगे वो करने के लिए मतलब तैयार हो, जो रेडी कोई भी काम करवा रहे उससे तो वो करने के लिए। यहाँ पे अवज्ञाकारी का है, जो आप कहेंगे इसको नहीं करना है तो उसी काम को करेगा। और यहाँ पे टैक्टफुल यानी कि बहुत विनम्र है, तो ये क्या हो गया, इसका अपोजिट यानी कि उल्टा हो गया, ठीक है गाइज। और ये क्या है,
ट्रेसेबल, सॉरी ट्रैक्टेबल। ट्रैक्टेबल का मतलब गाइज क्या होता है यहाँ पे, विनयशील। ठीक है, ट्रैक्टेबल का मतलब क्या होता है, विनयशील, यानी कि जो बहुत विनम्र हो, विनम्र स्वभाव का हो, उसको विनयशील। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, ओबेडियंट। ओबेडियंट का मतलब आज्ञा को पालन करने वाला। ओके, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे अवज्ञाकारी है और यहाँ पे आज्ञा को पालन कर रहा है, सॉरी ओबेडियंट का मतलब, ओबेडियंट का मतलब आज्ञा का पालन करने वाला, यानी कि इसका क्या हो गया, इसका कंटोमेसिस का एंटोनिम्स हो गया, अपोजिट। ओके, और कोर्टियस का मतलब क्या होता है, कोर्टियस का मतलब सभ्य होता है, विनम्र। ठीक है, तो ये भी इसका क्या हो गया, विनम्र, ये भी इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको इतना आज का जो है सारा वर्ड अच्छे से समझ में आया होगा और ये वाला वर्ड स्टोरी के माध्यम से आपको याद भी हो गया होगा। तो यदि गाइस यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही डेली वीडियो लाता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।